चंदोसी नगर के सीता रोड माँ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में पित्त की थैली में पथरी के ऑपरेशन के दौरान वृद्धा की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई और शीशे तोड़ दिए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। वहीं कुछ लोग समझौते के प्रयास में जुट गए। कोतवाली चंदोसी क्षेत्र के गांव मई निवासी सलमा बेगम पत्नी नौशे अली को परिजनों ने पित्त की थैली में पथरी के ऑपरेशन के लिए 9 फरवरी को सीता रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। शुक्रवार की सुबह 9 बजे डॉक्टर महिला को ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले गए। आरोपी के ऑपरेशन से पहले इंजेक्शन लगाने के बाद ही महिला ने दम तोड़ दिया। 10:30 बजे जब परिजनों को इस बात की खबर हुई तो परिजन भड़क गए। गांव से ग्रामीण आ गए और अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। इतना ही नहीं, खिड़कियों के शीशे भी तोड़ दिए। सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार शर्मा और सीता आश्रम चौकी इंचार्ज ब्रजपाल सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में ले लिया। वहीं कुछ लोग समझौते के प्रयास में जुट गए हैं। मेरा नाम है सद्दाम। कहाँ रहते हो भाई? क्या मामला है? मेरी माँ सलमान जी ने भर्ती थी 4 दिन से भर्ती। इन्होंने गारंटी ली। कहाँ पर भर्ती थी? माँ हॉस्पिटल। फिर क्या हुआ? माँ मल्टी हॉस्पिटल में। अब 10 बजे 9 बजे ले गए थे ऊटी में ऑपरेशन के लिए। इन्होंने उसके बाद ये कहा क्या आपकी मम्मी सही है, ऑपरेशन चालू, पैसे लिया। कुछ कितने पैसे? 15,000 जो बात है। 10,000 पहले कर दिए थे, थोड़े थोड़े लगे। मैं पैसे लेने गया, मैं आया, ये बोले कि इनकी हालत सीरियस है। किसने कहा आपसे? डॉक्टर ने। क्या नाम है डॉक्टर का? पाल डॉक्टर, जो काले से। ठीक है। सफेद जर्सी पहने थे आज। ठीक है। लालो सफेद। तो मैंने उनसे ये कहा, सुनो, मैंने कि वो बोले तुम्हारे मरीज की हालत सही नहीं है, तो मैंने ये सर आप डिस्चार्ज कर दो 10:05 पे। वो बोले कि अभी कर रहे, टाइम बज गया 11:30। 11:30 के बाद में अंदर नहीं घुसन दे रहे ऊटी में। मैं जबरदस्ती ऊटी में घुसा तो डॉक्टर शीशों में पानी मारते हुए निकल गए और पिछले गेट से भाग गए। नहीं, अंदर बंद होंगे डॉक्टर। दो निकल गए, दो भाग गए, दो भाग गए। बिल्कुल। क्या हुआ? पाल साहब तो बाहर को भाजी आए और एक डॉक्टर और था, वो भाजी आया, तो 3 अंदर रह गए, एक कंप्यूटर। अब डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टर ये बोले थे मतलब अभी ये एम्बुलेंस बुला, 2 एम्बुलेंस बुला, ये सही है। जब मैंने सीने पे उनके कान लगा के देखा तो उनमें कुछ नहीं था। जो इच्छा हो सरकारी कार्रवाई हम तक करने की ये करें, जिन्हें पोस्टमार्टम कराना हो, हमारे इंजेक्शन से नुकसान दिया हो, हमारे किसी जो इच्छा हो आप करेंगे, कर सकते हैं, इनका अधिकार है, क्योंकि हमारी गलती नहीं है। इसलिए तो हम आपके सामने खड़े, मीडिया के सामने खड़े। जो इंजेक्शन आप लगाते हैं उससे ऐसी अगर मृत्यु होती रही और ऐसे लोग करते रहे तो क्या होगा? ये ऐसा ट्रीटमेंट, ये आप ना ऐसा करें कि जो हमारे MCA सर्जन है ना, क्योंकि इस तरीके से ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो कुछ मरीज ऐसे होते हैं जीवन बचाने के लिए डॉक्टर को कुछ। हॉस्पिटल तो आपका है ना सर? हॉस्पिटल मेरा। आप भी डिग्री होल्डर हैं या ऐसे ही? हम डिग्री होल्डर नहीं है। तो फिर आप चला कैसे रहे हैं? चला सकते हैं, चला सकते हैं। जब जानकारी ना तो आप कैसे चला? हमारे MCA सर्जन, जब जानकारी नहीं है आपके लिए, आप ऐसे हमारे MCA सर्जन। जी मैं मानता हूँ आपको, आपके पास भी तो कोई डिग्री छोटी मोटी होनी चाहिए। आप कर सकते हैं, आप इसी तरीके से मतलब एक नॉर्मल मरीज इंजेक्शन लगने से मर सकता है? जो आपको आप ये मानते हैं आप डिग्री होल्डर नहीं है? आप ये मान रहे हैं इंजेक्शन लगने के कारण मरी है? आप कुछ भी करिए।